अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार सामा, सेल मैनेजर अब्दुल स्टेट टीएचए कराची। आज बड़े दिन बाद हाजिर हुआ हूँ आपकी आपके सामने। आज बात करेंगे, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, मुझे काफी लोग इस वक्त मैसेज कर रहे हैं, उसामा भाई डीएचए सिटी कराची में 125 यार्ड के प्लॉट कहाँ लेने चाहिए। देखिए, एक तो पहली बात ये आपको बताता चलूँ कि 125 यार्ड के अलावा भी बहुत सी कटिंग है, उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो 125 यार्ड के हवाले से और उसमें भी एक प्राइम सेक्टर के हवाले से जिसके हवाले से ज्यादा बात होती है। तो आज आपको बता देता हूँ कि शौकत हाना मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, जिसकी 2024 के दिसंबर में ऑपरेशनल हो जाएगा जो हॉस्पिटल, वो एग्जैक्टली किस जगह लोकेट करता है और उसकी सराउंडिंग में कौन से प्लॉट आ जाते हैं। नया आने वाली व्यूअर से रिक्वेस्ट है, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, खासकर उन लोगों को जिनकी डीएचए सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट है। डीएचए वैली इस्लामाबाद के शिफ्टेड प्लॉट हैं। एक तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम डीएचए वैली इस्लामाबाद इसलिए बार बार कहते हैं ताकि आपको पता चले कि न्यू कटिंग है, बाकी इन प्लॉटों में डीएचए सिटी के प्लॉटों में कोई फर्क नहीं है। और जहां तक इनकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनकी डेवलपमेंट बहुत जल्द आप देखेंगे ऑन साइट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये प्लॉट आज डीएचए सिटी में अगर आए हैं आज से एक साल पहले, तो इस्लामाबाद में आज से 12-13 साल पहले के अलॉट हो चुके थे। तो इनका जो सेलर है, जो अलॉटी है, तो उन्होंने काफी टाइम वेट किया है और डीएचए इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है कि जल्द से जल्द इनके प्लॉटों की डेवलपमेंट स्टार्ट की जाए और इनको पोजिशन दी जाए ताकि वो अपने घर बार यहाँ बना सकें। तो आ जाते हैं इस वक्त इन प्लॉटों के सबसे हॉट सेक्टर में। इनमें सबसे हॉट लोकेशन जो है वो सेक्टर 3D है। क्यों हॉट लोकेशन है? इस वक्त आप ड्रोन फुटेज में देख रहे होंगे, आपको घर नजर आ रहे होंगे, विलास नजर आ रहे होंगे, उसके बिल्कुल साथ वाली जगह ही है, ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस में एक वॉल है। ये 3B के विलास हैं, 3A के विलास हैं, 500 गज के, इसके सामने वॉल है वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसके साथ वाली जगह 3D की है। तो 3D, 3C ये जो टॉप की लोकेशन है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर आपका बजट कम है तो 3E, देन सेक्टर 6 में भी 6F और 6H और 6E, ये तीनों भी 3 की और 6 के सामने ही आते हैं। बेसिकली ये जो पूरा बेल्ट चल रहा है ये 3 की एक्सटेंशन है, 6 की एक्सटेंशन है, 9, 12 और 13 के बीच का एरिया। तो खासकर मैं बात करता हूँ 3, 6 और 13, ये तीनों सेक्टर जो है बहुत प्राइम लोकेशन में है और अच्छी बात यह तीनों पोजीशन सेक्टर्स के साथ हैं, यानी 13 में ही पोजीशन, उसके बीच का एरिया है, उसमें 700-800 प्लॉट हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये भी। और 6 में ऑलरेडी अभी पोजीशन 6A और B में मिल जाएगी और 6C और D में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो उसके साथ प्लॉट आ जाते हैं। 3 में ऑलरेडी पोजीशन है, तो ये जो तीन सेक्टर हैं टॉप प्रायोरिटी पर आप रखें और इनमें इन्वेस्टमेंट करें। इनमें कुछ भी प्राइस नहीं है, 25 लाख रुपये से लेके 35 या बहुत अच्छा प्लॉट होगा 40 लाख रुपए तक का रेट है। और अच्छी बात यह है कि आज की प्राइसेस में आपको अगर यहाँ कोई चीज़ मिल जाती है, आप साल डेढ़ साल इसको होल्ड करते हैं, तो पूरी इसमें कैपेसिटी है कि ये प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाएं, क्योंकि आज से एक साल पहले जब इसका मैप नहीं था, कुछ नहीं था, मार्केट बेहतर थी, ठीक है, मार्केट बेहतर थी, तो हमने यही प्लॉट तकरीबन ऑलमोस्ट 37-38 में बेचे थे, जब कोई सेक्टर कोई लोकेशन नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त, इसमें आप फुल फ्लैश आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें, शौकत हाना हॉस्पिटल जैसे ही ऑपरेशनल होगा तो डीएचए को फौरी तौर पे यहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एकदम आगे 500 गज का घर नहीं बनाता, ना ही कोई फौरी तौर पर सेक्टर 14 में जाएगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर। दैट्स द रीजन कि सेक्टर 14 से भी इन्वेस्टमेंट मूव हुई है सेक्टर 3 में 6 में, कि यहाँ पे डीएचए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है डेवलपमेंट को लेके और बहुत जल्दी यहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, और डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी तो आप खुद देख लेंगे मेन हाईवे के ऊपर अगर आपको 125 गज का प्लॉट है, तो मैं समझता हूँ आज की मार्केट में भी अगर डेवलपमेंट प्लॉट है तो 70-75 लाख से कम का नहीं होगा। तो ये आगे सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज है, पीछे की चीज़ें छोड़ दें, आगे बढ़ें, आगे मलीर एक्सप्रेसवे आपकी कनेक्टिविटी पे काम स्टार्ट हो चुका है, टू डीएचए सिटी मजीद विलास देने जा रहा है शुरू के सेक्टरों में, 257 में इमार आ रहा है, आईबी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, यानी बहुत सी चीजें ऐसे हैं, गोल्फ कोर्स पे काम स्टार्ट हो रहा है, तो आगे आपको चीजें पॉजिटिव होती हुई ही नजर आएंगी। मैं आज की डेट टाइम और वक्त आप नोट कर लीजिए,
कि अब आपको चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आएंगी, क्योंकि इस वक्त DHSCT कराची की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे काम कर रही है, क्योंकि उनके सामने DHSCT कराची नॉर्थ भी है, उसके मास्टर प्लान पे भी काम हो रहा है, तो इसको डेवलप करेंगे तो उस तरफ मूव करेंगे, तो डेफिनेटली रेट भी बढ़ेगा तो DHSCT कराची नॉर्थ को भी बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार फिर कहूंगा कि जो भी 125 गज का प्लॉट लेने चाहता है उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जो है सेक्टर 3 है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।